हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ सेवी फॉरेंसिक्स। सो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है ब्रांचेस ऑफ फॉरेंसिक साइंस। तो इसमें हम फॉरेंसिक साइंस की जितनी भी तरह की ब्रांचेस होती हैं उन पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, तो इसमें हमने स्टार्टिंग किया है सबसे पहले फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी से। तो फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी डील्स विद द डिटेक्शन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेज एंड ड्रग्स इन टिश्यूज एंड फ्लूइड्स। सो टॉक्सिकोलॉजी में क्या होता है, बेसिकली हम पॉइजन्स और ड्रग्स पे स्टडी करते हैं। जैसे कि अगर किसी भी इंडिविजुअल ने किसी अदर इंडिविजुअल को पॉइजन एनी हाउ बाई इंजेक्शन और बाई इन्हेलेशन और बाई ईटिंग या किसी भी प्रोसेस से उसको पॉइजन या ड्रग्स उसकी बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाया है और उसकी वजह से उसकी डेथ होती है, तो हमको ये पता करना होता है कि उस इंडिविजुअल को मतलब उस इंडिविजुअल की डेथ जो है वो पॉइजन की वजह से हुई है या नहीं, और अगर पॉइजन की वजह से हुई है तो कौन से पॉइजन की वजह से हुई है। सो दैट इज़ दिस इज़ द ब्रांच ऑफ द साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ पॉइजन्स विद रिस्पेक्ट टू देयर सोर्स फॉर्म डोज फेटल पीरियड इफेक्ट ऑन बॉडी एंड अटोप्सी फाइंडिंग्स एट्सेट्रा। और इनके फादर के बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं फादर्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस वाले टॉपिक में। तो इनके फादर हैं फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी एंड मॉडर्न फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी के फादर हैं सर मैथ्यू और फिला। सो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट ब्रांच पर फॉरेंसिक साइंस की, जो कि है फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी। तो फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी के जानने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है। तो एंथ्रोपोलॉजी इज़ द होलिस्टिक स्टडी ऑफ मैन, दैट मीन्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक विच इज़ रिलेटेड टू द ह्यूमन बींग। ओके, तो अब हम बात करते हैं फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी की। तो फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइंस ऑफ फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी टू लीगल प्रोसेस। दैट मींस फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी जो होती है उसकी एप्लीकेशंस को लीगल कंटेक्स्ट में हम जब यूज़ करते हैं तो उसको हम फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। तो जो फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है वो स्केलेटल का आइडेंटिफिकेशन करता है, या फिर कोई भी डिकम्पोज्ड बॉडी होती है उसका आइडेंटिफिकेशन करता है, या फिर कोई भी अनआइडेंटिफाइड ह्यूमन रिमेन्स होते हैं तो उसका आइडेंटिफिकेशन करता है इन द लीगल कंटेक्स्ट। सो बेसिकली जो फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी है वो बोन्स और ह्यूमन स्केलेटन से रिलेटेड है। इसके बारे में हम और अच्छे से अलग से स्टडी करेंगे जब हम फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी का पूरा डिटेल में जाएंगे। ओके, तो अब हम आ जाते हैं फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी पे। सो फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी को हम फॉरेंसिक डेंटिस्ट्री भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जितने भी डेंटल एविडेंसेस होते हैं, लाइक जिसमें हमारे टीथ किसी भी क्राइम सीन में किसी क्राइम केस में मिलते हैं, तो उसका एग्जामिनेशन होता है। और टीथ बहुत ही यूज़फुल होता है, इसकी हेल्प से हम बहुत कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लाइक उस इंडिविजुअल की एज है, उस इंडिविजुअल का सेक्स है और रेस है। सो टीथ जो होता है वो बहुत ही यूज़फुल होता है फॉरेंसिक साइंस के लिए। तो इट इज़ ए स्पेशलिटी दैट रिलेट्स डेंटल एविडेंस टू इन्वेस्टिगेशन and it deals with the proper handling, examination and evaluation of dental evidences and with the proper presentation of dental findings in the interest of justice. So अब हम आ जाते हैं अपनी next branch पर, जो कि है forensic biology. So biology includes detection and establishment of any biological fluid, also carry out microscopic examinations related to hair, fiber, tissues and botanical exhibits. So botanical exhibits like pollens, soil, trees, etc. and biological fluids like blood, semen, saliva, urine, etc. So basically forensic biology में क्या होता है, जो जब भी किसी भी crime scene पर हमको कुछ biological fluids मिलते हैं या फिर कुछ भी botanical exhibits मिलते हैं, तो ये exhibits जितने भी होते हैं वो crime scene को solve करने में, उस केस को सॉल्व करने में फॉरेंसिक साइंटिस्ट की बहुत हेल्प करते हैं। सो फॉरेंसिक बायोलॉजी एक बहुत ही स्पेशल और इम्पॉर्टेंट ब्रांच है फॉरेंसिक साइंस के लिए। तो इसके बारे में भी हम अलग से बात करेंगे फॉरेंसिक बायोलॉजी पे, उसमें सारे ही जितने भी बॉटेनिकल एग्जिबिट्स होते हैं, बायोलॉजिकल फ्लूइड्स होते हैं, तो उनको भी हम अलग से अच्छे से स्टडी करेंगे, लेकिन वो उसके लिए वीडियो बाद में आएगी। तब तक आप सिर्फ इतना ही जानिए कि फॉरेंसिक बायोलॉजी की बेसिक्स क्या है। ओके, तो अभी हम अपनी आ जाते हैं फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी पर। तो फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी स्टडीज इंसेक्ट्स एंड अप्लाइज द नॉलेज टू क्रिमिनल केसेस एंड इन्वेस्टिगेशंस इनटू अ डेथ। थ्रू इट कैन आल्सो इंक्लूड इन्वेस्टिगेशंस
इनटू अटेम्प्टेड मर्डर्स वाया ड्रग्स और पॉइजन्स. सो अगर हमको इंसेक्ट्स मिल रहे हैं, लाइक जैसे कि अगर कोई भी बॉडी का प्योरिफिकेशन हो जाता है तो उस बॉडी पर हमको बहुत सारे मैगेट्स मिलते हैं. तो इन मैगेट्स की हेल्प से क्या होता है, फॉरेंसिक साइंटिस्ट जो होते हैं वो उस डेड बॉडी का एज पता कर सकते हैं बहुत ही ईजिली. ओके, इसके अलावा अगर मैगेट्स मिल रहे हैं तो वो मैगेट्स जो होते हैं वो भी एक टाइप के इंसेक्ट्स होते हैं, तो उनकी हेल्प से जो है हम ये पता कर सकते हैं कि जो अगर उस इंडिविजुअल का मर्डर हुआ है तो उसका जो डेथ हुई है वो ड्रग्स या पॉइजन्स की हेल्प से तो नहीं हुआ है, मतलब क्रिमिनल ने उसकी बॉडी में ड्रग या पॉइजन तो इंजेक्ट नहीं करवाया था. तो फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी भी एक बहुत ही यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट ब्रांच है फॉरेंसिक साइंस की. सो फॉरेंसिक एंटोमोलॉजिस्ट कैन ऑल्सो डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ द मर्डर. तो फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी की हेल्प से एक फॉरेंसिक साइंटिस्ट उस बॉडी की लोकेशन भी पता कर सकता है इन सिर्फ इंसेक्ट्स की वजह से. सो इट इज़ ऑल्सो अ वेरी बेनिफिशियल ब्रांच फॉर फॉरेंसिक साइंस. ओके, तो अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं अपनी ब्रांच पर जिसका नाम है फॉरेंसिक साइकोलॉजी. सो जो फॉरेंसिक साइकोलॉजी है इज़ अ फील्ड दैट कम्बाइंस द प्रैक्टिस ऑफ साइकोलॉजी एंड द लॉ. तो इट इज़ दी एबिलिटी, मतलब इसमें जो फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट होता है वो क्रिमिनल की साइकोलॉजी, मेंटल साइकोलॉजी उसकी क्या है, क्रिमिनल की और जो हमारा विक्टिम होगा उसकी साइकोलॉजी क्या है उसको पता करने के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहती है ब्रांच. सो फॉरेंसिक साइकोलॉजी के लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स भी रहते हैं, लाइक पॉलीग्राफ है, लाई डिटेक्टर है, नार्को एनालिसिस टेस्ट है, ब्रेन मैपिंग है एक्सेट्रा. तो जो नार्को एनालिसिस है तो इसमें ट्रुथ सीरम यूज़ होता है. तो ये ट्रुथ सीरम क्या होता है और ये सारे जो मैंने इंस्ट्रूमेंट्स के नाम बताए हैं तो इनके बारे में हम बाद में अच्छे से डिस्कस करेंगे अलग से वीडियो में. तो अभी तक हम सिर्फ इतना जानते हैं और अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं अपनी ब्रांच पर जो कि है फॉरेंसिक क्वेश्चन डॉक्यूमेंटेशन. सो फॉरेंसिक क्वेश्चन डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूड्स द एग्जामिनेशन ऑफ हैंड राइटिंग, इंक, पेपर, टाइपराइटर, प्रिंटर, इम्प्रेशंस और एनी अदर फॉर्म ऑफ राइटिंग और प्रिंटिंग दैट मे हैव बीन यूज इन अ केस. सो इसमें जितने भी तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं दैट मे बी प्रिंटेड और हैंड रिटन और एनी अदर मटेरियल दैट इज़ रिलेटेड टू द डॉक्यूमेंट्स, सो उन सभी का एग्जामिनेशन होता है. और इसको हम बहुत ही ईजिली बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में समझ सकते हैं दैट इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज एनी डॉक्यूमेंट विच इज़ अंडर स्क्रूटनिंग और ऑफ एनी अननोन ओरिजिन. दैट मीन्स किसी भी डॉक्यूमेंट या किसी भी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट या कुछ भी है जो कि डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड है तो उसकी अगर एथेनिसिटी पर, उसकी ओरिजिन पर हमको अगर डाउट हो रहा है तो उसको हम क्वेश्चन डॉक्यूमेंटेशन में इंक्लूड करेंगे. तो ये होता है फॉरेंसिक क्वेश्चन डॉक्यूमेंटेशन. वो इसमें इन सभी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स का एग्जामिनेशन होता है. ओके, तो अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं अपनी ब्रांच पर जो कि है फॉरेंसिक पैथोलॉजी. सो इट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ मेडिसिन एंड सब स्पेशलिटी ऑफ पैथोलॉजी. तो इसमें होता क्या है बेसिकली, जैसे कि अगर किसी की डेथ हो गई है तो इसमें जो फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट होता है वो जो डेड बॉडी होती है उसकी ऑटोप्सी करता है. क्यों करता है, ऑटोप्सी करने से बहुत सारे हमें क्राइम से रिलेटेड, उस केस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है, लाइक उसकी डेथ कैसे हुई थी, कब हुई थी, किस वजह से हुई थी, अगर कोई इंजरी है तो वो किस टाइप की इंजरी है, किस इंस्ट्रूमेंट से या किस चीज़ से उसको मारा गया है, लाइक नाइफ से मारा गया है, स्वॉर्ड से मारा गया है या फिर कुछ ट्रॉमा केस है. तो ये सब पता करने के लिए ऑटोप्सी बहुत ज़रूरी होती है. तो ये सारा काम होता है एक फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट के लिए. तो फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट होता कौन है, वो एक डॉक्टर होता है जिसके पास एटलीस्ट 4 ईयर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए और 1 ईयर एडिशनल एक्टिविटी होनी चाहिए इन हैंडलिंग मेडिको लीगल ऑटोप्सीज इन्वॉल्विंग अननेचुरल, सस्पिशियस, वायोलेंट और अननेचुरल डेथ्स. सो बेसिकली फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट एक डॉक्टर ही होता है जो कि ऑटोप्सी कंडक्ट करता है, बस उसके पास इतना जो मैंने बताया वो उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए तभी वो माना जाएगा कि वो एक फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट है. ओके, तो अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं साइबर फॉरेंसिक पर जो कि हमारी नेक्स्ट ब्रांच है. तो साइबर फॉरेंसिक को हम फॉरेंसिक डिजिटल फॉरेंसिक्स भी कहते हैं. सो डिजिटल फॉरेंसिक्स में होता क्या है, इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग ऑन डिजिटल डेटा इन अ वे
दैट इज़ लीगली एडमिसिबल। सो इसमें जैसे कि कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, उसमें कुछ भी कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी क्राइम हुआ है, तो उसमें उन सभी चीज़ों का एग्जामिनेशन किया जाता है बाय प्रॉपर हैंडलिंग और बाय मेंटेनिंग चेन ऑफ कस्टडी। चेन ऑफ कस्टडी तो वैसे पूरी फॉरेंसिक साइंस की सभी ब्रांचेस के लिए या कोई भी एविडेंस कलेक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट बहुत होता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ साइबर फॉरेंसिक के लिए ही इम्पॉर्टेंट है, ये सारी ही फॉरेंसिक साइंस की ब्रांचेस के लिए और ओवरऑल फॉरेंसिक साइंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो चेन ऑफ कस्टडी को हम अलग से डिस्कस करते हैं एक अलग से सेपरेट वीडियो में। तो अभी हम यहीं पर ये जानते हैं कि साइबर फॉरेंसिक क्या होता है। सो साइबर फॉरेंसिक इट मेनली फोकसेस ऑन क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ एंड एविडेंस एज अप्लाइड टू कंप्यूटर्स एंड रिलेटेड डिवाइसेस, एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स मोबाइल फोन फॉरेंसिक्स, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट फॉरेंसिक्स एंड नेटवर्क फॉरेंसिक्स। तो ये सभी जो मैंने बताया है ये कुछ अलग अलग नहीं है, बस इसमें जो हमारा मोबाइल है, पर्सनल डिवाइस है या फिर नेटवर्क है, बस वही डिफरेंस है, लेकिन काम ये सारा साइबर फॉरेंसिक के अंदर ही होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बेसिक्स बता दिए हैं साइबर फॉरेंसिक के, और इसके बारे में भी डिटेल हम अलग से करेंगे। ओके, तो अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं जो कि है फॉरेंसिक बैलिस्टिक्स। सो इट डिफाइंड एज अ साइंस ऑफ मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल्स एंड फायर आर्म्स। सो इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द एग्जामिनेशन ऑफ फायर आर्म्स एम्यूनिशन इन्वॉल्व इन क्राइम टू हेल्प द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। सो इसमें होता क्या है, जैसे कि कोई भी फायर आर्म है या कोई भी केस है जिसमें कि फायर आर्म का यूज़ हुआ है, किसी भी तरह का फायर आर्म वो हो सकता है, इट मे बी पिस्टल और गन और राइफल और बहुत सारे तरह के होते हैं। तो इनमें से किसी भी चीज़ का अगर, किसी भी फायर आर्म का अगर यूज़ हुआ है, तो इन सभी का एग्जामिनेशन हम करते हैं। तो इसमें पहले तो ये हो गया कि हम इन सारी तरह के इंस्ट्रूमेंट्स का, जैसे इन सभी तरह के फायर आर्म्स का हम एग्जामिनेशन करते हैं। उसके अलावा इसमें जो बुलेट्स यूज़ होती हैं उनका एग्जामिनेशन करते हैं, बुलेट्स के अंदर जो मटेरियल फिल होता है उसका एग्जामिनेशन करते हैं, और जो वुंड होता है जैसे कि इसकी वजह से जो वुंड कॉज हुआ है तो उसको हम अलग से वुंड बैलिस्टिक्स में स्टडी करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि उसमें एग्जिट वुंड होता है, इंट्री वुंड होती है और बहुत कुछ होता है, तो उसके बारे में भी हम अलग से ही बात करेंगे। यहाँ पे बात करना बहुत लंबा हो जाएगा। और इसके फादर जो हैं वो कैल्विन गोडार्ड हैं, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ओके, तो अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं फॉरेंसिक फिंगरप्रिंट साइंस पर। तो इट डील्स विद द यूज़ ऑफ फॉरेंसिक फिंगरप्रिंट्स इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अप्लाइड टेक्निक इन फॉरेंसिक साइंस। सो इस ब्रांच में क्या होता है कि हर एक इंडिविजुअल के हाथ में, फिंगर्स में फिंगरप्रिंट्स प्रेजेंट ही होते हैं। तो ये फिंगरप्रिंट्स क्या होते हैं ये मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन इसमें बहुत सारी तरह के रिजेस होती हैं पूरी फिंगरप्रिंट्स पर। तो ये अगर आप कोई भी चीज़ को टच करेंगे तो वो वहाँ पर अपने जो इम्प्रेशंस हैं वो उस ऑब्जेक्ट पर छोड़ देंगे। वो क्यों होता है, क्योंकि इसमें कुछ स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, तो वो अपना कुछ ना कुछ सिक्रीशन छोड़ती रहती हैं। तो ये जो सिक्रीशन होता है इसी के हेल्प से अगर आप कुछ, कोई भी ऑब्जेक्ट को टच करेंगे तो वो उस पर अपना इम्प्रेशन छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये होता है फिंगरप्रिंट साइंस में। तो अब ये जो होते हैं फिंगरप्रिंट्स वो सभी के अलग अलग होते हैं, किसी का भी सेम नहीं हो सकता। मतलब अगर आप अपनी खुद ही के एक ही हाथ के या दोनों हाथ के या दो दो फिंगर्स के आप खुद ही के एग्जामिन कर लेंगे, उसमें भी आपको कुछ ना कुछ डिफरेंसेस मिलेगा। सो दैट इज़ वाई ये कहा जाता है कि फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं वो हर एक इंडिविजुअल के यूनिक होते हैं और वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं, अंटिल बर्थ टू डेथ और फ्रॉम क्रेडल टू द ग्रेव। ओके, तो इसके जो फादर हैं फॉरेंसिक फिंगरप्रिंट साइंस के जो फादर हैं वो हैं हेनरी फॉल्स। तो अब हम आ जाते हैं अपनी लास्ट ब्रांच पे जो कि है फॉरेंसिक फोटोग्राफी। सो फॉरेंसिक फोटोग्राफी में क्या होता है, इसको हम ऑल्सो नोन एज फॉरेंसिक इमेजिंग और क्राइम सीन फोटोग्राफी। सो इट रिलेट्स टू फोटोग्राफी दैट इज़ अंडरटेकन विद इन अ लीगल कंटेक्स्ट। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि अगर कोई भी क्राइम हुआ है, कोई भी केस है, तो उस सीन की पूरी प्रॉपर फोटोग्राफी होती है ताकि कोई भी एविडेंस जो है इधर उधर छूट ना जाए। और अगर, क्योंकि क्या होता है जैसे क्राइम कुछ हुआ है तो उसमें कुछ टाइम के लिए तो वो उस सीन को बैरिगेड कर दिया जाएगा, लेकिन वो एक प्रॉपर टाइम होगा,
और वो जो होता है कि अगर मान लीजिए कोई रोड एक्सीडेंट है तो वो बहुत जल्दी आपको हटाना पड़ेगा, तो इसलिए फॉरेंसिक साइंटिस्ट को वो केस की इन्वेस्टिगेशन बहुत आसानी से कर ले, इसके लिए एक प्रॉपर फोटोग्राफी की जाती है उस सीन की। तो उसमें कई सारे एंगल्स रहते हैं, बहुत क्लोज फोटोग्राफी होती है और कंप्लीट व्यू होता है, तो कई सारी तरह की होती हैं। तो ये बेसिकली इसलिए होती है ताकि जब वो सीन हट जाए तो उसके बाद भी हम उन फोटोज़ की हेल्प से उस केस को सॉल्व कर लें बहुत इजीली। लेकिन इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि फोटोग्राफी जो हो रही है उसमें किसी भी तरह की कोई एडिटिंग या कुछ भी इफ़ेक्ट वगैरह कभी भी नहीं लगाने चाहिए, बिकॉज़ इसमें सिर्फ जो रियल फ़ोटोज़ होती हैं उन्हीं की वैल्यू रहती है। और इसके अलावा जैसे कि जितने भी तरह के एविडेंसेस क्राइम सीन से कलेक्ट होते हैं या क्राइम सीन से रिलेटेड जो भी चीज़ होती है, उस हर एक चीज़ की फ़ोटोग्राफी की जाती है। तो वो कैसे होती है और किस किस तरह से होती है उसके बारे में हम आपसे बाद में बात करेंगे इसकी सेपरेट वीडियो में। तो यहाँ पर हमारे फॉरेंसिक साइंस की सभी ब्रांचेस का मैंने आपको डिस्कस कर लिया है, तो ये हमारा टॉपिक भी आज का कंप्लीट होता है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा, और अपने और जिन्होंने अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर आपको प्रेजेंटेशन, जो मैं वीडियोस जो बनाती हूँ तो इनके अगर आपको प्रेजेंटेशन चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, तो मैं नेक्स्ट टाइम से जितनी भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगी तो उनके साथ में डिस्क्रिप्शन में इनकी मैं प्रेजेंटेशन भी अपलोड कर दिया करूँगी। तो प्लीज़ ये आप लोग मुझे कमेंट्स में लिख के बता दीजिएगा, तो मैं अगर ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो अगर सभी को चाहिए होगी तो मैं ज़रूर नेक्स्ट टाइम से अपलोड करूँगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक बार लिख के ज़रूर बताइएगा, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और नए नए वीडियोज़ बनाने के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।